हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज होम ब्लॉग और ऑफिस ब्लॉग का स्टार्टिंग कोलकाता के स्ट्रीट से। क्यों? क्योंकि आप समझ ही गए होंगे, नींद से लेट से जगा और जगने का टू को स्कूल छोड़ने जाना था। गाइस, ये रहा अपना नीम का प्लांट जिसका कोई देखभाल नहीं है। आज शायद इस पर कोई लात से चढ़ गया है। तू समझा? हाँ, देख रहे हैं, ये टेढ़ा हो गया था। तो देखिए गाइस, यहाँ पे कितना सारा जामुन का पेड़ हुआ है अपने आप। देखिए तो खड़ा करते हैं, कैसे खड़ा करे। हो गया खड़ा। यार देखिए कितना छोटा छोटा जामुन का पेड़ हुआ है अपने आप। और ये अपना नीम का पेड़ जो प्लांटेशन किए थे। तो गाइस, ये प्लांट को हम लोग देखभाल नहीं कर पाते क्योंकि ये ऑड एरिया में पड़ जाता है। और गाइस, कस्टम हाउस के पास जो प्लांट लगाए हैं, चलिए वो भी देखते हैं किस हालत में है, क्योंकि इधर तो हम आते ही नहीं है, मेरे को काम इधर का मिलता नहीं है, तो इन सब प्लांटों का देखभाल हो नहीं पाता। तो गाइस, हम पहुँच गए हैं कस्टम हाउस के पास, सॉरी पोर्ट ट्रस्ट के पास, और यहीं पे अपना ट्री प्लांटेशन हुआ था। चलिए आपको दिखाते हैं इसी साल में। और यहाँ पे गाइस, पीपल का प्लांट भी बहुत सारा हुआ है। आपको पहले भी ब्लॉग में दिखाए हैं, तो फिर से दिखा देते हैं कि किस कंडीशन में। और ये देखिए नीम का पेड़ कितना बड़ा हो गया है गाइस, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और ये देखिए अपना जामुन का पेड़ जिसको मीनाल मार दिया था कुछ टाइम के लिए। बड़ा हो गया। और एक नीम का पेड़ था गाइस, वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाइस, इसको कोई दबा दिया था जिसकी वजह से ये खड़ा नहीं रह पा रहा था, मतलब इसको कोई सुला दिया है। जिंदा है बट पत्ता निकला नया नया। ये देखिए यहाँ पे पीपल का प्लांट हुआ है गाइस। ये देखिए, तो गाइस इसमें से एक डंडा तोड़ लिए और इसको इसके पास लगा देते हैं ताकि ये सीधा से खड़ा रहे। जो हो गया, अब ये ठीक से स्टैंड रहेगा। तो गाइस, ये जो पीपल का प्लांट है इसको हम लोग सैटरडे को उखाड़ेंगे, उखाड़ के अच्छे जगह प्लांट कर देंगे या यहीं पे ठीक से प्लांट कर देंगे। और गाइस, यहाँ पे देखिए जामुन का कितना सारा पेड़ हुआ है, ये देखिए वहाँ पे है। और गाइस, यहाँ पे एक नीम पीपल का प्लांट है, ये इसको आज नहीं तो कल कोई उखाड़ के फेंक देगा, क्योंकि ये देख रहे हैं आप बैरिकेडिंग के बाहर में है। तो इसको हम लोग उखाड़ के सही जगह पर प्लांट कर देंगे, लाइक इस शनिवार को जैसे किए थे। बहुत सारा बनियान ट्री हम लोग प्लांट किए थे जगह जगह से उखाड़ के, तो इस शनिवार को भी वही प्रोग्राम रहेगा। जहाँ जहाँ पे अनवांटेड प्लेस में प्लांट्स हुए हैं उसको उखाड़ के अच्छे जगह प्लांट करना। क्या बात है। तो गाइस, टाइम पौने बारह हो रहा है, अपना काम हो गया है कोयलाघाट स्ट्रीट का। अभी हम लोग कोयलाघाट स्ट्रीट मतलब स्टैंड रोड पर आ गए हैं। और गाइस, एक चीज़ दिखाते हैं, ये देखिए किसी ने यहाँ पर नीम का पेड़ प्लांटेशन किया, बट किसी ने नहीं, KMC ने किया होगा, मतलब कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने किया होगा, बट यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दिया। तो देखिए गाइस, ये नीम का प्लांट कितना बड़ा होगा, साथ में आम का ही पेड़ देखिए कितना सारा होगा, देख रहे हैं। तो गाइस, अपना तो कोई स्पॉन्सर नहीं है, अपने को खुद को करना है। तो गाइस, अपने खुद करेंगे इतना कैपेबल भी नहीं है क्योंकि वी डोंट हैव फंड। तो गाइस, प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें कुछ फंड अरेंज करना पड़े, उसमें कुछ तकलीफ ना हो। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं कोलकाता को ग्रीन एंड क्लीन बना सकता हूँ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, एंड आई होप कि आप लोग के हेल्प से मैं कोलकाता को ग्रीन कर सकूँ, कोलकाता के एयर को प्यूरीफाई कर सकूँ। मतलब बोलना तो बहुत ईजी है, करना बहुत टफ है, बट कोशिश कर सकते हैं गाइस। कोशिश करने में क्या जाता है, उसी के साथ चलते हैं। ओके गाइस, टाइम हो गया पौने एक, हम आ गए हैं लंच करने। क्यों? क्योंकि हमको साउथ कोलकाता काम में जाना है। बंगाली वो ऐसे गए हैं साउथ कोलकाता, बट दूसरे जगह गए, हमारे जगह जाना है, मतलब अपोजिट में ही है थोड़ा सा। हमारे बस से जाते हैं, बाइक से जाएंगे। गाइस, लंच कर लेते हैं, देखते हैं वाइफ आज क्या दी है। तो गाइस, ये देखिए मेरा फेवरेट पत्ता गोभी का सब्जी, अचार, प्याज और इधर रोटी मतलब पराठा, सॉरी। सो गाइज, इट्स टाइम टू एंड द ऑफिस ब्लॉग। आज सुबह से गाड़ी पड़ा हुआ था, कहीं निकले के निकले नहीं, मतलब काम पे ही नहीं निकले, एक जगह ही गए थे। तो गाइज, आज का ऑफिस ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मीनाल राजेश भाग गया पहले ही और हम भी 5 मिनट पहले निकल गया है, कोई था नहीं, काम भी नहीं था, तो बैठे बैठे नींद आ रहा है।
ऐसे तो ब्लॉग एडिट कर ही रहे थे। तो गाइस चलते हैं घर, आपको आज टूकू से मिलाते हैं, सुबह तो मिला नहीं पाए थे, घर चल के होम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी 6:30 बजा टाइम शाम का और अभी हम लीलवा ब्रिज पे हैं। ये देखिए लीलवा ब्रिज तो क्यों है गाइस, बिकॉज ऑफ दिस। गाड़ी देख रहे पूरा भींगा हुआ है, रास्ते में इतना तेज बारिश पकड़ लिया था गाइस कि बिना रेनकोट पहने रहा नहीं है। तो ये रहा रेनकोट, अभी यहाँ पे चेंज करने के लिए रुक गए थे, तो अब रेनकोट रखते हैं बैग में और घर चलते हैं और आपको डुगू से मिलाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ब्लॉग गाइस। आज रास्ते से मेरे को ये दोनों पकड़ के क्या बोल रहा था गाइस पता है, उसको देखिए वो भी बिस्तर पे चढ़ गई है, चढ़ के उसका पेंसिल बॉक्स तहस नहस कर रही है, ये उसको मारेगा वो उसको मारेगी, बस क्या देखा था आज तुम? भाई ये जो रास्ते पे पानी है ना, हाँ उसके सेकंड में बात खतरनाक वाला, सेकंड में बात रास्ते पे जो पानी है ना उसमें एक तो फिश थी एकदम बुलेट ट्रेन के जैसा, बाप रे बुलेट ट्रेन के जैसा। और ये तो पता है हाँ। तो प्यारे मुंडे छठ में जाके कूद रही थी, बाप रे आज तुम चार को हो जाती। हाँ उसको देख के जल्दी से द्वार के भागे पकड़े और सब कोई बीबी बैग नहीं उतारे अभी तक। और तुम फिर से पेन से एक नया कॉपी नहीं, मैं तुम मेरे साथ कंपेयर कर रहे हो, आई एम योर फादर, यू आर नॉट माय फादर। हाई करो ब्लॉग में, सुबह से हाई नहीं किया, हाई कर दो बुजू। चलते हैं दुकान, टाइम हो गया, डुगू का दोस्त आ गया तो डुगू बाहर में खेल रहा है। सो गाइस दुकान पहुंच गए हैं, 7:30 टाइम हो रहा है और गाइस कल एक कस्टमर मेरे को प्यार से ये देखिए रसगुल्ला दे के गया, बट रात में हम इसको घर ऑफिस दुकान में ही भूल गए। सुबह में जाके मेरे को आज सुबह याद आया कि यार हमको तो रसगुल्ला दे के गया था गाइस, ये इतना गर्म रसगुल्ला था, खाने से बहुत फ़ायदा होता, डुगू को भी अच्छा लगता, बट भूल गए आज इसको लेके जाएंगे। अच्छा है कि खराब है घर जाके पता चले। गाइस अब टाइम देख सकते हैं 11 बजने में 10 मिनट बाकी है और अभी तक हम घर नहीं गए हैं, अब कंप्यूटर बंद किए अब घर जा रहे हैं, पापा फोन किए, मम्मी फोन की, वाइफ फोन की। गाइस सडनली यहाँ पे बहुत तेज बारिश होने लगा था इसलिए हम रुक गए, अभी जाके बारिश थोड़ा कमा है तो घर जा रहे हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा गाइस, और डू शेयर विद माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, बिकॉज नेचर के बारे में जागरूक होना गाइस सबको जरूरी है, बिकॉज नेचर है तो हम हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट।